Good morning, friends. Third day in our ride. कल भी रात को लेट हो गया था, तो एक होटल लाइन बाई आप लोग होटल ले गए, वेरी रीजनेबल प्राइस, सिर्फ 700 रुपये में रूम पर नाइट लिया था उनसे। तो चलिए होटल देख लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. है, टीवी है, बहुत बड़ा शीशा है एक, और ये सबसे अच्छा चीज बैल्कनी, और ये है बैल्कनी का बाहर से व्यू, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर रात को बहुत मचता। चल पड़े हम लोग साइट सीन करने, जाएंगे कॉफ़ी बागान, सॉरी आज हम लोग जाएंगे कॉफ़ी गार्डन, और झरना, एक झरना है बहुत ब्यूटीफुल सा, वो हम देखने जाएंगे, और उधर से हम वापस घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। As usual, सुंदरसा रोड, नॉर्थ में उड़ीसा में रोड बहुत अच्छा है। आज भी मौसम बहुत अच्छा है सुबह से, और आप लोग देख ही पा रहे हैं एक बहुत बड़ा सा हनुमान जी का स्टैचू था, और उधर में हम लोग रुक के थोड़ा चाय पानी और थोड़ा फोटोशूट। फिर से चल पड़े, अभी फॉरेस्ट का रोड शुरू हो गया है, पूरा रोड जो है हिल और रोड पूरा फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा है, कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग। आई एम राइडिंग ऑयंस रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड, फॉरेस्ट के अंदर भी रोड बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल सा रोड है। और आ गया बहुत से गाय, आप वीडियो में देख सकते हैं गाय का एक एक सिंग जो है इंसान के आर पार जा सकता है। बहुत ही भयंकर,
और हम लोग फंस गए अभी। और इधर से एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए कॉशन बोर्ड है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा डर मुझे भी लग रहा था क्योंकि मैं सबसे आगे था तो मैं अकेला हो गया था, इसलिए क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूं। कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूं। दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं। है ये वक्त का इशारा, हर लम्हा पुकारा। आप लोग देख सकते हैं जंगल के अंदर भी रोड बहुत बहुत अच्छा है, और एक चढ़ाई वाला रोड है, एक हिल है, वो चल रहा था तो हिल में भी रोड बहुत अच्छा है। जोर से गाऊं, सब अपने अपने घर की खिड़की को रोड की तारीफ करना बनता है। मैं ऐसे जोशीले गीत रोड में बाइक चला के मेरे गीतों को सुनकर सब ये बोले, है ये वक्त का इशारा, हर लम्हा पुकारा। ऊंचाई दारिंगबाड़ी का ऊंचाई लगभग 3,500 फुट समथिंग कुछ है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ चढ़ने में। दारिंगबाड़ी को उड़ीसा का कश्मीर बोला जाता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं उड़ीसा का कश्मीर कैसा है। राय की अपने जितने भी अरमां है पूरे कर ले तू। ये है दारिंगबाड़ी का कॉफी गार्डन, बहुत सुंदर। आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पंछियों की गूंज गूंज रही है हर तरफ, और शायद थोड़ी देर आगे बारिश हुआ है। बारिश में भीगी हुई मिट्टी का खुशबू बहुत अच्छा है। और आप लोग को दिखाता हूँ, ये है कॉफ़ी, ये देखो कॉफ़ी। मैं इसे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हो जाएगा। कॉफ़ी का इशारा, मैं और मेरा चाइल्ड अभी हम लोग जा रहे हैं झरने की तरफ, और आसमान में बादल आ गया है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है। रास्ता पूरा भीग गया है, आप लोग देख सकते हैं कि बारिश हो रहा है। चाहता है
चाहता है, दिल चाहता है। और ये झरना का रोड है, सिर्फ यही मुझे ऑफ रोडिंग मिला और कुछ ऑफ रोडिंग नहीं मिला मुझे इस ट्रिप में, थोड़ा सा ही है, क्रॉस कर लिया, दिक्कत नहीं हुआ कुछ। और ये झरना जो है बाइक को स्टैंड करके एक जगह है, बाइक पार्क करके एक हिल टेप किया हुआ है, तो उधर से नीचे उतरना पड़ता है झरना देखने के लिए। खूबसूरत सा है, उसका बरसात हो रहा था, उसका वीडियो नहीं है, ये कुछ तस्वीर, कुछ मोमेंट। ये है झरना, फिर से चल पड़े। आप लोग ये जो देख रहे हैं ये कोई फॉग नहीं है, ये असली में बादल नीचे आ गया था, तो ये पूरा बादल है, हम लोग बादल के बीच में से बाइक चला रहा था और सामने कुछ भी देख पाना इतना पॉसिबल नहीं था। वीडियो में तो बहुत क्लियर आ रहा है मगर सामने में देखना बहुत डिफिकल्ट था। इसलिए थोड़ा स्लो राइड हो रहा था, पूरा बादल, पूरा ऑसम व्यू है, ऑसम लग रहा था बाइक चलाने में। और My Ron and me both are happy. And the view is awesome. Back to home. Dopar ho gaya hai aur बाइक रेस्टिंग। अब हम लोग कुछ खाएंगे, तो यहाँ पर इन लोगों का एक दुकान है और अच्छा अच्छा देर का स्पेशल फूड भी है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है। यहाँ का कुछ स्पेशल डिशेस और समोसा, पकौड़ी, जलेबी, पूरी, बड़ा और भी बहुत कुछ। यम्मी बड़ा, बड़ा विद घुगनी, फर्स्ट टाइम टेस्ट किया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। और वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके बताइए, और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सेफ राइड विथ लाइफ। बाय।